नमस्कार, आई एम डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एट चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन दोसा। आज हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेसेस पार्ट वन। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेज में प्लस टू में हमने क्या पढ़ा था, लिमिट। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल है तब हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट। अब तीसरी कंडीशन और हो जाए एफ ऑफ ए। जब ये थ्री कंडीशंस हो जाए तब हम कहते थे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट निकालते थे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये हो जाए। या फिर हम लिखते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब भी हम कह सकते थे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अब जैसे हमने फर्स्ट ईयर में सीखा था, फर्स्ट ईयर में क्या सीखा है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूस कब होता था, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, आप लिखते थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए मोड वैल्यू लेस देन डेल्टा। या फिर इसको ऐसे लिख देते थे कि एक्स माइनस ए वैल्यू लेस देन डेल्टा क्या इंप्लाई करे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमारा आ गया है कंटिन्यूस फंक्शन इन मेट्रिक स्पेसेस। तो यहां देखो f इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स डी टू वाई डी स्टार वेयर एक्स डी एंड वाई डी स्टार आर टू मेट्रिक स्पेसेस। तो सबसे पहले यहां से एक a पॉइंट लिया, ये फंक्शन इस a पर कंटिन्यूस कब होगा, जब गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आ जाए सच डेट। देखो यहाँ मोड लिखते थे, यहाँ डिस्टेंस क्या है, ये तो यूजुअल था, और यहाँ डिस्टेंस फंक्शन, यहाँ फंक्शन डी है, डी डी कैसे लिखते थे, डी एक्स ए लेस देन डेल्टा क्या इंप्लाई करे, सेकेंड में मेट्रिक है डी स्टार, दिस इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन हो जाए। एक कंडीशन तो ये है कि भाई डी एक्स ए लेस देन डेल्टा क्या इंप्लाई करे, डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। सेकेंड कंडीशन देखो ये होता है डी एक्स ए लेस देन डेल्टा होने का मतलब एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एस ए डेल्टा में, वो क्या इंप्लाई कर दे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किस में बिलोंग कर जाए, एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन में, तब भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। थर्ड कंडीशन देखो, जब x इसमें बिलोंग कर रहा है तो इस पर f अप्लाई करें तो वो किस में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में, तो इसका मतलब है f ऑफ s a डेल्टा ये किसका सबसेट हो जाए, s ऑफ f ऑफ a एप्सिलॉन का। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, तब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। देखो जैसे कि ये एक्स टी मेट्रिक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या ले लेते हैं, वाई डी स्टार। ठीक है, जब यहां पर आपने एक्स पॉइंट लिया है, अब उस पर एफ अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर मान लो ए है तो उस पर एफ अप्लाई करोगे, इसमें क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए भी आ जाएगा। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि भाई जो डिस्टेंस है डी एक्स से ये लेस देन डेल्टा है, अब इन पर एफ अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या इंप्लाई करे, डी स्टार है इसमें डिस्टेंस, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए
दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तब फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी। आगे देखो, अब हम थ्योरम करते हैं। क्या थ्योरम है हमारे पास? थ्योरम नंबर वन, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए मैट्रिक्स स्पेस XT, then F plus G and alpha F, these are also continuous functions where alpha is any real। ठीक है, तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एफ एंड जी आर कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन, देयरफॉर यहां पर एफ क्या है, एफ फ्रॉम एक्स टू आर एंड जी भी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर है। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स एनी पॉइंट। A belongs to x any point, अब by definition, since f and g are continuous functions, जब ये दोनों continuous है, therefore, for given epsilon greater than 0, there exist delta 1 greater than 0 and delta 2 greater than 0, such that हम क्या लिख सकते हैं कि भाई डी एक्स ए लेस देन डेल्टा वन इंप्लाइज डी स्टार, डी स्टार मत लिखो यहां पे क्योंकि सेकंड में डी स्टार मेट्रिक नहीं है, यूजुअल मेट्रिक है, रियल लाइन है। तो यहां क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए दिस मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन एंड डी एक्स ए लेस देन डेल्टा टू दिस इंप्लाइज g of x माइनस के g of a लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बजाय हम एप्सिलॉन बाय 2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 लेट कर लेते हैं। डेल्टा दिस इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, देयरफॉर जो dx a लेस देन डेल्टा लेकर चलोगे फिर उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो f of x माइनस f of a है ये भी मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड जो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए है ये मोड वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। अब जो हमें प्रूव करना है उसको लेकर चल रहे हैं, भाई डी एक्स ए लेस देन डेल्टा है तो अब हम लेते हैं एफ प्लस जी प्रूव करना है। एफ प्लस जी के लिए क्या करेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस के जी ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ ए, ये ए है ये बी है, मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड। ठीक है, अब ये हमें गिवन है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो टोटल किससे लेस देन हो गया, एप्सिलॉन से, देयरफॉर एफ प्लस जी इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट लेके कंटीन्यूअस प्रूव कर दिया है। अब हम प्रूव करें अल्फा एफ, तो पहले क्या कर लेते हैं, सिंस एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो
सच डेट आप क्या यूज कर रहे हो, डी एक्स से लेस देन डेल्टा क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय मोड अल्फा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब डी एक्स से लेस देन डेल्टा है तो हम अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा एफ ऑफ ए लेकर चल रहे हैं, ये आ जाएगा अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एफ ऑफ ए, अल्फा दोनों से कॉमन, ये आ गया, ये लेस देन क्या है मोड अल्फा, एप्सिलॉन बाय मोड अल्फा ये कैंसिल होके किससे लेस देन आ गया एप्सिलॉन से, देयरफॉर अल्फा एफ इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया है कंटीन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट थ्योरम, लेट एक्स टी एंड वाई टी स्टार बी टू मैट्रिक्स स्पेसेस एंड एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स इंटू वाई, देन दिस सेट, कौन सा सेट, एक्स के वो पॉइंट्स जब एफ ओफ एक्स किसके इक्वल आ जाए जी ओफ एक्स के, दिस इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, ये प्रूव करना। ठीक है, तो देखो किस टाइप से प्रूव कर सकते हैं हम इसको, तो लेट कर लेते हैं हम a इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, रिक्वायर टू प्रूव क्या है a इज क्लोज्ड, तो लेट कर लेते हैं x माइनस a, दिस इज a कॉम्प्लीमेंट, इफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू phi देन इट इज ओपन, भाई एम्प्टी सेट तो क्या होता है ओपन होता है। ठीक है, इफ a कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू phi तो लेट कर लेते हैं a बिलोंग्स टू क्या है a कॉम्प्लीमेंट, अच्छा a a कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब a doesn't belongs to a, जब a a में नहीं है तो यहां से f of a not equal to g of a होगा, इसका मतलब जो d star f of a g of a है this is greater than 0, तो let कर लेते हैं d star f of a g of a this is equal to epsilon और ये greater than 0। ठीक है, अब देखो सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, अब डेल्टा वन डेल्टा टू की बजाय हम क्या लिख लेते हैं डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट डी एक्स ए लेस देन डेल्टा, वो क्या इंप्लाई कर रहा है डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन के बजाय एप्सिलॉन बाय 3 एंड डी स्टार जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, ये आ गया। अब इनका हम आगे यूज कर लेंगे, तो पहले देखो डी स्टार एफ ऑफ ए जी ऑफ ए ले लिया, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी स्टार एफ ऑफ ए, सबसे पहले हमने इसमें एफ ऑफ एक्स इंसर्ट कर दिया जो मैट्रिक स्पेस की जो फोर्थ कंडीशन है उससे, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी स्टार एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस डी स्टार एफ ऑफ एक्स, अब इसमें जी ऑफ एक्स इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, ये क्या है डी स्टार एफ ऑफ ए
जी ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू तो है एप्सिलॉन, ये लेस देन, ये वैल्यू लेस देन हो जाएगा स्ट्रिक्टली, यहां जाता है हमारे पास एप्सिलॉन बाय 3 प्लस डी स्टार एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और ये प्लस में एप्सिलॉन बाय 3। अब इन एप्सिलॉन बाय 3 को हम दोनों को दूसरी साइड ले जाकर सब्ट्रैक्ट करें, देयरफॉर डी स्टार एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये आ जाएगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 3 मतलब ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सो एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए, तो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहां हम पहले लेकर चले डीएक्स लेस देन डेल्टा, देखो डीएक्स लेस देन डेल्टा इंप्लाई एक्स बिलोंग टू एस ए डेल्टा, तो ये एक्स एस ए डेल्टा में है और यहां पर एक्स किस में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट में, देयरफॉर एस ए डेल्टा दिस इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट से आपने ए लिया था तो ए आर्बिट्री पॉइंट था, तो ए को सेंटर मान के डेल्टा रेडियस की एक ऐसी स्फीयर एग्जिस्ट होगी जो ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ ए, बट ए इज एन आर्बिट्री पॉइंट, सो ए कॉम्प्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो ये अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है, सो इट इज ओपन सेट, देयरफॉर ए इज ए क्लोज सेट, ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा, एक क्लोज सेट, क्लियर है ये थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है नेक्स्ट भी हमारे पास, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार दिस बी मेट्रिक स्पेसेज एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन एफ इज कंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू एक्स इफ एंड ओनली to every sequence an in x converging to a, the sequence f of an in y converges to f of ये प्रूव करना है, दैट इज हम लिख सकते हैं ए एन कन्वर्जिस टू ए इंप्लाई एफ ऑफ ए एन कन्वर्जिंग टू एफ ऑफ ए, ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं हम, लेट एफ बी कंटिन्यूस एट ए एंड ए एन कन्वर्जिंग टू ए, ये सपोज करके चले हैं, टू प्रूव क्या है, एफ ऑफ ए एन कन्वर्जिंग टू एफ ऑफ ए, ये प्रूव करना है, तो उसके लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट ए देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो तो है ही, डेल्टा एग्जिस्ट हो जाएगा सच डेट डी एक्स ए लेस देन डेल्टा क्या इंप्लाई करेगा, डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो सिंस
एन कन्वर्जिंग टू ए है, देयरफॉर वी कैन फाइंड एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट आप लिख सकते हो डी ए एन ए लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, इसको अगर फर्स्ट माने तो डी ए एन ए लेस देन डेल्टा है, दिस इंप्लाइज फ्रॉम वन जो डी स्टार एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए ये लेस देन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो f of a n सीक्वेंस है दिस कन्वर्जिंग टू f of a, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कन्वर्सली हम क्या प्रूव करेंगे, पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज a n a को कन्वर्जेंट है तो वो क्या इंप्लाई कर रहा है f of a n f of a को कन्वर्जेंट है। टू प्रूव क्या है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल f इज नॉट कंटिन्यूस एट a, कंटिन्यूस नहीं है। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट नहीं, यहाँ पर क्या होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो जो डी एक्स ए तो लेस देन डेल्टा है बट जो डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए है वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं डेल्टा वन बाय एन, डेल्टा वन बाय एन पुट कर दें तो क्या आ जाएगा डी एक्स ए लेस देन वन बाय एन। ठीक है, बट डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ए एन, एक्स ए एन अगर इसमें पुट कर दें देयर फोर डी ए एन ए लेस देन वन बाय एन है बट डी स्टार एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज ए एन ए को कन्वर्जेंट है तो वो क्या इंप्लाई कर रहा था एफ ऑफ ए एन कन्वर्जिंग टू एफ ऑफ ए। ठीक है, हेंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट। ठीक है, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ये थ्योरम्स हैं जो कंप्लीट कर लेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।